नमस्ते दोस्तों, कुक विद श्रुतिका में आपका स्वागत है। आज हम और एक अनोखी डिश बनाने वाले हैं, पालक पिज़्ज़ा कप्स, जिसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो इससे अच्छा तरीका क्या होगा उन्हें पालक खिलाने का, तो चलो जल्दी से देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम पालक ब्लांच कर लेंगे, तो उसके लिए हमने पानी उबाल लिया है और उसमें चुटकी भर नमक डाल दिया है और इसमें ही हम पालक के पत्ते डालेंगे और इसको हम सिर्फ 5 मिनट के लिए इसमें रखेंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, हम गैस बंद कर देंगे और इसको तुरंत ही हमें इस बर्फ़ वाले पानी में डाल देना है पालक को, इससे इसका यह हरा रंग एकदम बरकरार रहता है। अभी हम इस पालक को मिक्सर में डाल के अच्छे से पीस लेंगे, इसका एकदम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पालक की पेस्ट हमने बना ली है, ये आधा कप पेस्ट तैयार हो गई है। तो अभी हम ये पिज़्ज़ा का आटा बना लेंगे, तो उसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया है, आधा कप दही, आधा कप पालक पेस्ट, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा स्वादानुसार नमक और ये 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है, ये डाल के हम ये पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ये मिक्स होने के बाद हम इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून इनो और ये आटा अभी अच्छे से भून लेंगे हम। अगर ये थोड़ा सा सख्त लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। ये देखिए 5 मिनट हमने इसको अच्छे से भून लिया है, देखिए नरम ही आटा भूनना है हमें। अभी थोड़ा सा तेल लगाएंगे हाथ में और इसको और 5 मिनट ऐसे ही हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए इतना नरम आटा हमें रखना है। तो ये आटा हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम ढककर ऐसे ही थोड़े देर के लिए रख देंगे, तब तक हम पिज़्ज़ा का स्टफिंग बना लेते हैं। अभी हम इसका स्टफिंग बना लेते हैं, तो इसके लिए हम 1 कप प्याज लेंगे, हम 1 कप टमाटर इसमें का थोड़ा सा हम रख देंगे ऊपर से डालने के लिए, 1 कप मकई के दाने ये भी हम थोड़े से रख देंगे और 1 कप शिमला मिर्च ये भी थोड़े से हम रख देंगे और ये पनीर हमने बहुत ही एकदम छोटा छोटा इसके क्यूब्स काट लिए हैं, इसको भी हम मिक्स करेंगे और इसके भी थोड़े से हम क्यूब्स रख देंगे ऊपर से डालने के लिए और ये आधा कप चीज़ इसमें का हम डाल देंगे इसमें और आधा कप ऊपर से डालने के लिए रख देंगे और ये 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस और 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस हमने मिक्स कर लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे और 1 टीस्पून साधारण हमने इसमें काला मिर्च पाउडर डाला है और स्वादानुसार इसमें हम नमक डालेंगे। नमक ध्यान से डालिए क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है। तो अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। ये देखिए हमने आटा ढककर रखा था, ये अच्छे से तैयार हो गया है। अभी हम इसके ये देखिए इतने इतने गोले बनाएंगे। ये देखिए हमने इस साइज़ के गोले बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हम ये बेल लेंगे, साधारण 4 से 5 इंच की हम इन्हें ये रोटी बना ली है, तो ऐसे बना के हम रेडी कर लेते हैं। ये देखिए कप्स बनाने के लिए हमने ये मफिन के कप्स लिए हैं, इसकी जगह पे अगर आपके पास इस साइज की कटोरी है तो वो भी आप ले सकते हो। तो पहले हम इसको तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसमें हमने ये जो रोटी बेली है वो एकदम दबा के इसमें रख देंगे। ये देखिए ऐसे अच्छे से प्रेस कर लेना है इसको। ये देखिए एकदम अच्छे से हमने इसको प्रेस करके ले लिया है, तो एक कप हमारा तैयार हो गया है। तो इसके अंदर हम अब ये स्टफिंग डालेंगे और फिर इसके ऊपर डालेंगे ये चीज़ वापस ऊपर से, मेल्ट होने के बाद बहुत ही अच्छा दिखता है। पूरा कवर कर लेंगे हम इसको चीज़ से और फिर इसके ऊपर बीच में हम रखेंगे ये पनीर का टुकड़ा एकदम छोटा सा और साइड में हम ये ऐसे मकई के दाने लगा लेंगे और शिमला मिर्च रख देंगे
और यहाँ पे ऐसे टमाटर रख देंगे। तो आप अपने हिसाब से इसको सजा सकते हैं अच्छे से। इसके ऊपर ये जो ओरिगैनो है वो हम थोड़ा सा ऐसे स्प्रिंकल कर लेंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तो ये हमारा एक कप तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के कप्स भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने ये सब कप्स ऐसे तैयार कर लिए हैं और हम मीडियम गैस पे हमने ये कढ़ाई रखी है बड़ी सी और इसके अंदर हमने ये प्लेट रखी है नीचे और ये 5 मिनट के लिए हमने गर्म कर लिया है। अभी हम इसमें ये जो कप्स है वो एक एक करके ऐसे रख देंगे। और ये ढककर हम इसको 30 से 35 मिनट के लिए पका लेंगे। तो पैन है उसके ऊपर का जो ढक्कन है उसमें अगर होल रहेगा इस तरह से उसको भी हमें ऐसे सील कर लेना है ताकि हवा थोड़ी भी बाहर ना निकले और ये अच्छे से बेक हो जाए। हमने इसको टोटल 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखा था और फिर 10 मिनट के लिए हमने इसको एकदम लो फ्लेम पे रखकर पकाया है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। हाँ मस्त हुआ है। ये देखिए चीज पूरा मेल्ट हो चुका है और जो कप्स का कलर है ग्रीन कलर वो भी थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है। तो इसका मतलब है ये अच्छे से पक गए हैं। अभी हम इसको इसमें से निकाल के थोड़ा सा ठंडा होने रखेंगे और फिर ये मोल्ड में से निकाल लेंगे। ये थोड़े ठंडे हो गए हैं तो हम इसको डीमोल्ड करते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं। नाइफ की सहायता से हम इसको ऐसे करके निकाल लेंगे। हाँ क्या सुंदर दिख रहे हैं ये, बहुत ही टेम्प्टिंग लग रहे हैं। तो ये पालक पिज्जा कप्स तैयार हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। आप नजदीक से देख सकते हैं इसको। हम इसको देखते हैं तोड़ के। बहुत ही चीजी और स्वादिष्ट दिख रहे हैं। तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको ये कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसे नए नए रेसिपीज देखने मिलें।